हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक, और स्वागत एक बार फिर थी आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, क्या आप सभी नीट एस्पिरेंट काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे? क्या अभी भी आप मॉक टेस्ट में लो स्कोर से परेशान हैं? अगर आपका क्वेश्चन यस है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में 150-160 मार्क्स ला रहा है, वो नीट एग्ज़ाम में 600 प्लस स्कोर कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो किस स्ट्रेटजी को फॉलो करे ताकि उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाए। मैं टॉपिक की शुरुआत करूँ उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी वीडियो है, प्लीज़ पूरी देखिएगा ताकि मैं जो बताऊँ आपको वो हर एक चीज़ आप समझ सकें और उसको अपने आप रियल लाइफ में यूटिलाइज भी कर सकें। एक बहुत सिंपल सा रास्ता है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति, डिक्लेरेशन। दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हम जब कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको हल्के में लेते हैं। डेट मीन्स ये कि अगर हमें MBBS नहीं मिला तो BDS ले लेंगे, BMS ले लेंगे, ऐसे बहुत सी दो थिंकिंग हमारे दिलों में आती है, या हम नेक्स्ट ईयर तैयारी करेंगे, इस बार हमारा समय जा चुका है। इस सोच को अगर आप नीट एस्पिरेंट अभी छोड़ दें तो वेरी गुड है। आज से पागलपन होना चाहिए आपके अंदर कि भाई मेरे को तो MBBS ही करना है और वो भी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, इसके अलावा अपने पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ये एक जुनून अपने अंदर जगाइए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी बात ये आती है, बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था कि कैसे हम 150 से 600 स्कोर को जाएं। देखिए, समय आपके पास बेहद कम है और आपके पास जो अभी मैं बात करता हूँ तो 50 डेज समथिंग आपके पढ़ने के लिए हैं, लास्ट के 10 डेज आपके रिवीजन के लिए हैं। अगर मैं 26 ऑफ जुलाई को टारगेट करके चलता हूँ उस कंडीशन में, तो अब करें क्या? तो अब आपके पास वो क्रूशियल टाइम है जिसमें आपका एक एक मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको घंटों स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है मंजिल को पाने के लिए। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस ये है, जब मैं पढ़ता था तो मैं अपने स्टडी पैटर्न को, जैसे मैं मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट करता हूँ स्टडी करना, तो मैं 6 बजे से लेकर दोपहर का जो हमारा समय होता है लंच तक का, उस टाइम में मैं थ्योरी पोर्शन को कवर करता था। और जितना मैंने पढ़ा है या जितना मान लिया, जिसे मान लिया अभी आप पढ़ रहे हो, तो आप पहले एनालाइज कर लो कि आपको कितना चीज़ें पता है, यानी कि आप बायोलॉजी में कितना जानते हो, 20%, 30%, 40%, फिजिक्स में क्या आपका रेशियो है, केमिस्ट्री में क्या है, वो मार्क कर लो। फिर सुबह का जो टाइम आपका है 6 to 2 o'clock, वो आपका रिवीजन, यानी कि टॉपिक्स को पढ़ना, समझना, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। और फिर जो आपका यूनिंग टाइम है वो आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर दोस्तों, यहाँ पर आप टॉपिक वाइज अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो भी आपके पास मार्केट में अरिहंत की बुक आती है जिसमें आपको प्रीवियस के 16 ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। अभी तो शायद गवर्नमेंट ने भी नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप को लॉन्च कर दिया है, आप उस ऐप पे भी अपने क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रहे कि अगर आपका एक टेस्ट, दो टेस्ट टाइम टेकिंग है, आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर आपका एक दो टेस्ट खराब हो जा रहा है, आप इसको नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्टार्टिंग सबकी जीरो से ही होती है। आप कार ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, तो पहले आप फोर्थ में नहीं, पहले आप फर्स्ट पे आते हो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही आपको मिलती है। तो सेम एज अभी आपको एक दो टेस्ट में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहोगे, कहते हैं प्रैक्टिस जो होता है वो आपको परफेक्ट बनाता है, तो वही चीज़ है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। देखिए, अभी तक आपने थ्योरी अगर नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तब तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो इस समय 60 डेज आपके पास हैं, आप चाहो तो दुनिया को हिला सकते हो भाई। टोटल आपके पास 30 चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, आपके पास 50 दिन है, आप एक दिन में एक चैप्टर की थ्योरी बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि क्रूशियल टाइम है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन स्कोर आपका मेहनत से नहीं बढ़ता है, स्कोर आपका बढ़ता है नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से, क्वेश्चन को रिवाइज करने से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से। तो ध्यान ये रहे कि सुबह का टाइम आपका जो जाएगा वो पढ़ाई में, शाम का टाइम 2 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है कि आप पूरा सेट उठा लीजिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तीनों हो, और आप सॉल्व करिए। आपको स्टार्टिंग में 5-6 घंटे भी लगेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करने में। ध्यान रहे कि कोई ऐसा क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करिएगा जो आपको ना आता हो,
सबसे पहले उन क्वेश्चन पर फोकस करिए जिसमें आप 80% श्योर हो, जो फार्मूले बेसिस हैं जिनको आप कर सकते हो उनको कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक पेपर पे सिंपली मार्क कर लीजिए बिल्कुल बिना टेंशन लिए हुए। फिर देखिए कि जो क्वेश्चन आपने मार्क किया है वो किन चैप्टर से है, उस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, बस इतना ही करना है। इसके अलावा ना तो टेंशन लेना है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा हमें अप्रोच करना है। इस सिंपल से स्टेप को फॉलो करिए दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट जो अभी एवरेज में हैं वो 26 ऑफ जुलाई तक एक बेहतर स्टूडेंट बनके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इवन मेरी भी सेम स्टोरी थी, मैंने भी लास्ट टाइम ऐसे ही पढ़ा था, क्योंकि जितना आप लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, उतने ही आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते हैं। दोस्तों काफ़ी गर्मी है, फ़ैन भी मैं ऑन नहीं किया क्योंकि आवाज़ सही नहीं आती है, तो आई होप इस पसीने को आप वेस्ट नहीं होने दोगे और इसको आप अपने रियल लाइफ में यूज़ करके अपना सिलेक्शन दोगे। आज इतना ही, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सेफ रहें और स्टडी करते रहें। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपके हर एक सवाल का मैं आपको आंसर दे सकूं। दूसरी बात, अच्छा सोचें, अच्छा बनने का प्रयास करें ताकि आप एक अच्छे डॉक्टर बनके देश की सेवा कर सकें। एट लास्ट छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने सभी नीट के फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।